कंधे पर गंगाजल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा कावड़ यात्रा कहलाती है। कावड़ का मूल शब्द कावर है, जिसका सीधा अर्थ कंधे से है। सावन में शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए प्रसिद्ध शिवलिंगों तक पहुंचते हैं। कावर ले जाने के पीछे अपना अपना संकल्प होता है। कुछ लोग खड़ी कावर का संकल्प लेकर चलते हैं, वह पूरी यात्रा में जमीन पर कावर नहीं रखते, जिसका उद्देश्य अनुशासन, सात्विकता और वैराग्य के साथ ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है। ऐसा माना जाता है कि कावड़ यात्रा से संकल्प शक्ति के साथ आत्मविश्वास जागृत होता है। शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, कावर उठाने वाले कांवरिया कहलाते हैं, जो एक बांस की डंडी और उससे जुड़े दो पात्र में पवित्र जल भरकर शिव का जयघोष करते हुए पैदल अपने घर से शिवजी को जल चढ़ाने अपनी मान्यताओं के अनुसार निकलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कावड़ से जुड़े दोनों पात्र, जिन्हें ब्रह्मघट और विष्णुघट कहा जाता है, पवित्र जल से भर लिए जाते हैं, तो उन्हें एक बांस की डंडी के सहारे सजा धजा कर और पूजित कर स्थापित कर दिया जाता है। धर्मशास्त्र अनुसार रुद्र अर्थात शिव बांस में समाहित हैं। कामवड़िया कावड़ के माध्यम से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। कावड़ यात्रा शिव भक्ति का एक रास्ता तो है ही, साथ ही व्यक्तिगत विकास में भी सहायक है। यही वजह है कि श्रावण में लाखों श्रद्धालु कावड़ में पवित्र जल लेकर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान जाकर शिवलिंगों का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ उठाने वाला कामवड़िया शिवयोगी के समान रहता है, जो मन, वाणी, कर्म से किसी भी प्राणी का अहित नहीं करते, सब में एकमात्र सदाशिव का ही दर्शन करता है। महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में एक उपाय कावड़ यात्रा है, जिसे शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जलाभिषेक से प्रसन्न होकर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त जेवा से हर हर महादेव बोल बम का जयकारा लगाते हुए कावड़ उठाकर शिव को जल अर्पित करने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। आता भक्त भगवान शिव को जल अर्पित कर न सिर्फ अपना कल्याण बल्कि घर परिवार के लिए सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आते हैं। पूरा कर सकते।